हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का है और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं इस टॉपिक की जो हम लोग आज कंसिडर करने वाले हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई है। स्टूडेंट्स को इसे समझने में, इसे विजुअलाइज करने में काफी दिक्कत होती है, दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, तो वो काम आपका हल्का करने के लिए ये वीडियो लेके आ गया हूँ। थोड़ा सा फोकस थोड़े देर के लिए, 5 मिनटों के लिए अपना फोकस मुझे दे दीजिए, इस बोर्ड को दे दीजिए, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए और उसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आपको 101% ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और जिंदगी भर याद रहेगा मेरे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले तो देखते हैं भैया, टॉपिक है डेंस मैट्रिक्स एल्गोरिथम्स जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका पैरेलल इंप्लीमेंटेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि भैया डेंस मैट्रिक्स होता क्या है। डेंस मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि डेंस है। डेंस से मेरा मतलब क्या, जो आपके नंबर ऑफ जीरोस हैं उस मैट्रिक्स में वो कम से कम होने चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मतलब जो आपका काउंट ऑफ जीरोस है वो एक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी जीरोस इन योर मैट्रिक्स, और अगर है भी अगर जीरोस तो उनका काउंट बहुत ही कम होना चाहिए, सो दैट द मैट्रिक्स बिकम डेंस। और उसी डेंस मैट्रिक्स को अभी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें डेंस मैट्रिक्स ही कंसिडर करेंगे। तो आज जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो है भैया मैट्रिक्स और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। अभी आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो पैरेलल होना चाहिए था, सीक्वेंशियल क्यों? सीक्वेंशियल इसलिए दोस्तों क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट है। अगर आपको मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का पैरेलल इंप्लीमेंटेशन समझना है तो पहले तो ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको उसका सीक्वेंशियल इंप्लीमेंटेशन समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आप पैरेलल को अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाओगे और समझ पाओगे। तो पहली बात तो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का सीक्वेंशियल एल्गोरिथम ये समझेंगे कैसे इंप्लीमेंट होता है, एंड अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे भैया पैरेलल इंप्लीमेंटेशन कैसे कैरी आउट होता है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, ये है मेरा वेक्टर जिसका नाम है x, और ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जिसका नाम है ये r। तो a, x और r मैंने पास कर दिया फंक्शन को, जो क्या करेगा मैट्रिक्स वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेगा इन अ सीक्वेंशियल फॉर्मेट। तो अभी हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, जब मेरा एक मैट्रिक्स है और वेक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, दिस इज n बाय n, दिस इज n बाय 1, तो क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तभी भैया मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। एंड देयरफॉर फाइनली जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी साइज क्या होगी, n बाय 1। तो फॉर सिंपलिसिटी यहां पे मैंने क्या लिया है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स लिया है और 2 बाय 1 का वेक्टर लिया है, तो ये दोनों के दोनों सेम है, और दोनों के दोनों सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर r है उसकी साइज क्या होगी, 2 बाय 1, तो रिजल्टेंट वेक्टर की साइज क्या होगी मेरी, 2 बाय 1। अभी देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन क्या है कि भैया दिमाग में रखो दो फॉर लूप है, ओके, दो फॉर लूप लगा दिए। अभी दो फॉर लूप में हो क्या रहा है, हम लोग क्या करने वाले हैं इसका ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी देख के नहीं बताऊंगा, कि यहाँ पे सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, विजुअलाइज करते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं करूंगा क्या, ये रो कंसिडर करूंगा, ये कॉलम कंसिडर करूंगा, दिस रो एंड दिस कॉलम, एंड फाइनली यहाँ पे मेरा एक जो एलिमेंट है वो जनरेट होगा। कैसे, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो मेरा जो है एक एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, सो 15, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो जनरेट हुआ वो है 15, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, प्लस करूंगा 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, अभी इन दोनों का जो एडिशन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, R का पहला एलिमेंट, समझ में आ गया ना, मतलब इन दोनों को मैंने क्या किया, एडिशन किया। सो 1 को पहले मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, ये मेरा पहला एलिमेंट। सेम विद 3, 3 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 5 हो गया, प्लस 4 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज नथिंग बट 4 6। अभी ये मत समझना ये पागल क्या कर रहा है, 4 into 6 to 24 होता है, मैं यहां नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट जो है कि भैया यहां पे जो भी एलिमेंट होगा उसको मैंने बोलती हूं ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है, एलिमेंट नंबर 3 है, आई एम नॉट डीलिंग विद एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यूज कि भाई 1 into 5 इज 5 आना चाहिए, मैं ऐसे डील नहीं कर रहा हूं, मैं जेनेरिकली डील कर रहा हूं, स्पेसिफिकली डील नहीं कर रहा। सो जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स is in the first row is getting multiplied with the first element of this vector, तो it is going to generate 15। तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर हो गया। ये होने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उनका एडिशन कर देंगे और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जनरेट होगा। यही इंप्लीमेंटेशन इस एल्गोरिथम में दिया, और कुछ खास नहीं दिया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया है। ये समझ में अगर आ गया होगा तो सबसे बेसिक और सबसे प्रीरिक्विजिट बात जो हमें जाननी है पैरेलल इंप्लीमेंटेशन के लिए वो ये है कि हमने किया क्या, रो सिलेक्ट किया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रो सिलेक्ट किया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हो क्या रहा है, हमने रो सिलेक्ट किया और उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर से एक रो सिलेक्ट किया वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो रही है, अगर मेरे ऐसे n रो होंगे
तो ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा, एन बार रिपीट होगा, और ये प्रोसेस अपने को सीक्वेंशियली कैरी आउट करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरलोड होता है, ये जो लोड है कि एक ही प्रोसेसर को बार बार एक ही कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है, क्या कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है कि भाई साहब एक रो लो उसे पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर से अगली रो लो मल्टीप्लाई करो उसको वेक्टर के साथ, तो ये क्या हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे पैरेलल इंप्लीमेंटेशन में, ये जो चीज हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, रिडंडेंसी ऑफ एक्शंस को अभी हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम आगे इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे, लेकिन आई होप आपको ये इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया हो कि भाई कैसे किया मल्टीप्लीकेशन एडिशन, एलिमेंट रिजल्टेंट का कैसे फॉर्म हो, उतना समझ में आ गया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, पहला फॉर लूप तो n, दूसरा फॉर लूप n स्क्वायर, तो टोटल इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है थीटा ऑफ n स्क्वायर समझो, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। इतना कॉस्ट लगता है, इतना खर्चा होता है भाई अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर को जनरेट करना है फ्रॉम मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर। तो ये तो सिंपल इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया, जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा, रो लिया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रो लिया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अभी इस रिडंडेंसी को हम एक तरीके से एलिमिनेट करते हैं इन पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए, ये प्री रिक्विजिट मैंने आपको बता दिया है, अगला वीडियो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम आया होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो को वो तीन मैजिकल चीजें कर दीजिए जो सिर्फ आप कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।